हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम लर्नर। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी होम स्क्रीन पे या सेटिंग्स में कहीं पे भी आप अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हो। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है डिज़ाइनर टूल्स आपको सर्च कर लेना है। सिंपली इसको अभी इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों ग्रिड ओवरले जो है ये वाला, इसको ऐसे ही रहने देना है। ओके, कुछ नहीं करना है। सिंपली नीचे मॉक ओवरले जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे परमिट ड्राइंग ओवर अदर ऐप्स कर लेना है। बैक चले जाना है। सिंपली यहाँ पे दो टाइप के आपको फ़ोटोज़ दिखेंगे, इस जो भी आप चाहते हो वो आपको ले लेना है। और सिंपली यहाँ पे वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। ओपेसिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपेसिटी भी है, इसको आप 100 पे ले जा सकते हो। आपकी फ़ोटो जो है वो ब्राइट से ब्राइट दिखेगी। तो ये ले अभी चलिए हम चलते हैं होम स्क्रीन में। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हम कोई और फ़ोटो रखते हैं। पे मैंने फ़ोटो रख लिया है, देख सकते हो ये हर जगह पे आएगा। जो भी ऐप कैमरा में आएगा, गैलरी में आएगा, डायलर में आएगा, हर एक ऐप में ये दिखाई देगा। सेटिंग्स में भी आएगा दोस्तों। तो ये हमेशा ऐसा सेटिंग्स में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, आपकी फ़ोटो को रख सकते हो किसी भी जगह पे। तो जब आप गैलरी ओपन करोगे तो गैलरी में भी ये दिखाई देगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।